खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये तो पाकिस्तान की डिसीजन है, रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ये उनको जान लेना चाहिए कि अगर उन्होंने रिटेलिएट किया तो यू विल फाइंड मच स्ट्रॉन्गर एक्शन कमिंग फ्रॉम द इंडियन साइड। सो इट इज अप टू देम नाउ वेदर दे शुड एस्केलेट। एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, वी शुड नॉट वरी बिकॉज आर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इज गोइंग टू बी वेल प्रिपेयर्ड टू डील विद एनीथिंग दैट पाकिस्तान कैन डू। राइट जनरल हुड्डा, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, आपने भारत सरकार को कामयाबी की बात की, उनको बधाई दी, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये कैंप, क्योंकि बीते दो दशकों से वहां चल रहा था बालाकोट में, इस तरह के ऑपरेशन पहले भी हो सकते थे और नहीं हो पाए? देखिए, ये कैंप तो जैसा आपने बोला ऑलमोस्ट 20 ईयर से चल रहा था। The decision taken to use air force, इतने camps इतने deep हैं कि इनको strike करना air force ही कर सकता है। So I think a good decision taken कि we will use our air force। अगर आप terror activities करते रहेंगे तो we will also not only use the army like we did last time, but we are willing to use our air force। So I think it's a very strong signal by the government। Right। और ये पॉलिटिकल विल को भी दिखाता है, जैसे कि आप इशारा कर रहे हैं। जनरल हुड्डा, मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये कैंप तो जैश का था, मसूद अजहर का साला इसको चला रहा था, यूसुफ अजहर जिसका नाम था उस्ताद गौरी, ऐसे ही कैंप लश्कर के भी होंगे, ऐसे ही कैंप और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के भी होंगे, पाकिस्तान में तो भरमार है, क्या उन पर भी एयर स्ट्राइक्स का वक्त आ रहा है, उनको भी खत्म करना जरूरी हो गया है? देखिए, नाउ एज आई सेड, The ball is clearly in Pakistan's court. अगर वो terror activities को बढ़ावा देते रहेंगे, अगर वो इंडिया में terrorist attacks करते रहेंगे, तो then it is quite clear कि इंडिया is going to go and strike. And ये camp पाकिस्तान occupied कश्मीर में नहीं था, ये पाकिस्तान में था. Right. So that is also a strong signal कि अगर पाकिस्तान में भी camp होंगे तो हम उन पर strike करेंगे. So this is a clear message to all Pakistan terror organization, whether it is Jaish or it is Lashkar or Hizbul Mujahideen, that India is going to come after you now. हमारे पास जनरल हुड्डा, क्या पाकिस्तान से बेहतर इक्विपमेंट्स, हथियार, टेक्नोलॉजी है कि अगर पाकिस्तान के F-16s ऐसी कोई हिमाकत करते हैं हिंदुस्तान की टेरिटरी में, उनको पकड़ा जा सके? क्योंकि पाकिस्तान को तो हमने सरप्राइज कर दिया, वो लोग तो तैयार नहीं थे, हम लोग कामयाबी के साथ अपना ऑपरेशन करके लौटे हैं, लेकिन वो बदला तो ले सकता है। देखिए, जैसे मैंने बोला एक आध एक्शन अगर पाकिस्तान करना चाहता है और वो अटेम्प्ट भी कर सकता है, लेकिन एज फार एज इक्विपमेंट वगैरह है, तो जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की कन्वेंशनल सुपीरियरिटी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स लेवल्स, नंबर्स, टेक्नोलॉजी, वी आर मच सुपीरियर टू पाकिस्तान। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो नागरिक हैं, जो इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, वो अश्योर हो सकते हैं कि हमारी सेना ऐसे किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने को तैयार है। बिल्कुल, आप जो लोग देख रहे हैं, दे शुड रेस्ट अश्योर्ड और दे शुड नॉट गेट टू वरीड कि अभी पाकिस्तान कुछ करेगा तो क्या होगा। द इंडियन आर्म फोर्सेज आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू डील विद एनीथिंग दैट पाकिस्तान कैन डू, सो दे शुड रेस्ट अश्योर्ड दैट दे विल रिमेन सेफ एंड सिक्योर। अभी मैं एयर चीफ मार्शल टिपनिस साहब से बात कर रहा था, कुछ ही देर पहले की बात है, उन्होंने खुद कहा, उनके शब्द हैं ये जनरल हुड्डा, कि ये डीपेस्ट पेनिट्रेशन था पीस टाइम का, आज तक इतने अंदर जाकर कभी भी मिराज ने या इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन नहीं किए हैं, ये एक बड़ी कामयाबी है? ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एंड ये दिखाता है हमारी इंडियन एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म, उनकी प्लानिंग और किस तरह से उन्होंने ये पूरा टास्क एग्जीक्यूट किया। As I said, our compliments to the Indian Air Force. Right.
एंड जब हम ये बात बार बार कही जाती रही कि हमारी सेना तो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन ऊपर से इशारा नहीं मिलता, पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं दिखाई देती, लेकिन अब वो भी दिखाई दिया जैसा कि आपने भी कहा। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप की विल सबसे अधिक जरूरी होती है इस तरह के ऑपरेशंस के लिए, उनके उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको बैक करने के लिए? एब्सोल्युटली, बिकॉज अल्टीमेटली इन सब का यू नो अथॉरिटी और डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप से ही आता है। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप बैठकर डिस्कस करते हैं कि क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, बट वी आर इन अ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में इट इज अल्टीमेटली द पॉलिटिकल लीडरशिप यू नो विच गिव्स द फाइनल गो अहेड टू डू एनी एक्शन। तो आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, एनएसए को, डिफेंस मिनिस्टर को फॉर दिस सक्सेसफुल ऑपरेशन? एब्सोल्युटली, एवरीवन डिजर्व्स यू नो कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया और जिस तरह से एक्शन हुआ, आई थिंक एवरीबॉडी डिजर्व्स द हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट। आज आपको अपना सर्जिकल स्ट्राइक वाला दिन भी याद आया होगा, उस वक्त भी ऐसा ही माहौल था देश के अंदर, आप तो खुद उस सर्जिकल स्ट्राइक वन को लीड कर रहे थे उस टाइम पे। हाँ, मतलब मुझे उस दिन की याद आ रही है। यू नो जिस तरह से देश में माहौल था और जिस तरह से एवरीवन वाज सो हैप्पी दैट वी हैव डन दिस, सो आई थिंक टुडे इज अ यू नो वन मोर रिपीट ऑफ दैट।